समस्तीपुर जिले में एक बड़ी घटना का नगर पुलिस ने उद्भेदन किया है, जिसमें विभिन्न बैंकों के एटीएम में पैसा जमा करने वाली कंपनी पर 2,70,00,000 गबन का मामला सामने आया। इसको लेकर नगर थाना में कैश मैनेजमेंट सिस्टम बेगूसराय के शाखा प्रबंधक राजेश कुमार ने मामला दर्ज कराया था। नगर पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई थी। इसी दौरान 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उन लोगों के पास से 3,37,000 नकद, 1 सोने का चैन, 1 अंगूठी, सोने का कड़ा, 11 एटीएम कार्ड, 9 बैंकों का चेकबुक, 2 मोबाइल बरामद किया है। बताया गया है कि मामला उजागर होने के बाद एक मुख्य आरोपी घर से फरार हो गया था। उसके हैदराबाद हवाई पर होने की सूचना मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उसी के निशानदेही पर 2 अन्य आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई। सदर डीएसपी ने नगर थाना पर प्रेस वार्ता कर बताया कि शहर के विभिन्न बैंकों के एटीएम में पैसा जमा आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा किया जाता था। आउटसोर्सिंग के कर्मी को अगर बैंक से एटीएम में जमा करने के लिए 15,00,000 रुपए मिलते थे, तो कर्मी मात्र 5,00,000 रुपए एटीएम में डालते थे, जबकि शेष 10,00,000 रुपए अपने पास रख लेते थे। उक्त राशि को कर्मी सूद पर लगाते थे। कर्मियों द्वारा यह गोरखधंधा तकरीबन 6 माह से किया जा रहा था। आउटसोर्सिंग कंपनी की 6 महीने की इंटरनल ऑडिट में मामला उजागर हुआ। बहरहाल डीएसपी ने आगे भी अनुसंधान करने की बात कही है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर गबन किया गया, इसमें कंपनी व बैंक के वरीय अधिकारियों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। समस्तीपुर जिला से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। CMS कंपनी है, जिसके हेड हैं बेगूसराय के राजेश कुमार शाखा प्रबंधक, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। ये कंपनी का काम है कि ये विभिन्न बैंकों का पैसा लेकर उनके एटीएम में जमा करती है और बड़ा ट्रांजेक्शन जो होता है वो वहाँ से कलेक्ट करती है। तो जो यहाँ के समस्तीपुर के हेड थे, उन पर और उनके सहयोगियों पर कुल 2,70,28,000 रुपये गबन का आरोप लगा है। उन लोगों ने अनुसंधान किया तो उनके हेड जो यहाँ दिवाकर कुमार है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके सहयोगी आशीष कुमार और मोहम्मद इस्लाम, दोनों समस्तीपुर के हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन लोग से विस्तृत पूछताछ की गई है। उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया और उनके पास से गबन का कुल 3,37,000 रुपया बरामद हुआ है। इसके साथ इन्होंने जो पहले पूर्व में गबन किया था, उसमें से अभी तक यह पता चल रहा है कि 70,00,000 रुपये की का इन्होंने पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदी है, 30,00,000 रुपया अपने पिता के इलाज में खर्च किया है और करीबन 10,00,000 रुपया सूद पे लगाए हुए हैं। तो ये पूरा मामला ये इस तरह से पकड़ में आया है कि 2,70,28,000 रुपये जो विभिन्न बैंकों पर थे, उसका गबन किया गया है। और इसमें अग्रतर अनुसंधान अभी और की जाएगी। इन लोगों को रिमांड पर लेकर पुनः पूछताछ भी किया जाएगा, आगे साक्ष्यानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से ये लोग गबन करते थे बैंक का पैसा? ये लोग पैसा बैंक से उठाते थे और अलग अलग बैंकों के एटीएम में जमा करते थे, लेकिन जितना जमा करना होता था उतना वो उसमें डालते नहीं थे, कम डालते थे, जबकि रिटर्न वो पूरा शो करते थे कि हमने इतना जमा कर लिया है। तो ये क्रमशः ऐसे करते गए और धीरे धीरे ये बाद में पकड़ में आया। तो पैसे वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते थे? इन लोगों ने कुछ सूद पर लगाया हुआ पैसा, बाकी का जमीन खरीदा है, कुछ अपनी अयाशी में खर्च किए हैं, कुछ अपने पार्टनर को दिया है। इस तरह से पूरा पैसा का इन्होंने गबन किया। इसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? दिवाकर कुमार की गिरफ्तारी हुई है समस्तीपुर से ही। तो इसमें और कितने लोग शामिल हैं? अभी और अग्रतर अनुसंधान का मामला है, आगे अनुसंधान और भी होगी बैंक कर्मियों के सहयोग से। हो सकता है इसमें किसी और की भी अगर सामने आए, उस पर भी काम होगा। Thank you.